कोरोना की दूसरी महामारी से लोग संघर्ष कर ही रहे हैं कि एसजीपीजीआई की एक जांच में लखनऊ के सीवेज में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की रिपोर्ट को आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ को भेज दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके अध्ययन की और सख्त ज़रूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के निर्देश के अनुसार भारत में 8 प्रयोगशालाओं में ये निर्देश दिया गया था कि वो पानी में भी कोरोना की जांच करके देखें। और ये जो पानी है ये सीवर लाइन का पानी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्च के 2020 के मेरे वीडियोस देखेंगे या मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमने एक उसमें चार्ट तैयार किया हुआ है कि कोरोना वायरस कहाँ कहाँ कितने दिन सर्वाइव कर सकता है। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हवा में 3 घंटे, यानी कोरोना व्यक्ति, कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उससे निकले हुए वायरस हवा में करीब 2 से 3 घंटे जीवित रह सकते हैं। और इसी तरह किसी टेबल पे या सोफ़ा पे, कवर पे करीब 24 से 48 घंटे, प्लास्टिक के सरफेस पे ऊपर 72 घंटे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पिछली बार हमने कही थी और सब लोगों से आग्रह भी किया था कि आपके जो जूते चप्पल होते हैं इस पर भी 5 दिन रह सकते हैं। इसीलिए हमने एक संदेश दिया था कि भाई जूते चप्पल अपने घर के बाहर उतारिए आप। और इसके अतिरिक्त जो सीवर है इसमें 6 से 8 हफ्ते तक वायरस रह सकता है। ये नई बात नहीं है, ये पिछले वर्ष ही बाकायदा एविडेंस मिल चुका था इसका और मैंने अपने वीडियोस में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये बात कही थी। अब सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या उस सीवर पानी में अभी भी है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट किया गया है, लेकिन इससे वायरस फैलता है ये कहीं प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लग जाए कि अरे बगल में मेरा नाला बह रहा है तो इसमें तो वायरस है, मेरा बगल में घर है तो ये मुझे वायरस का संक्रमण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरस डिस्पोजल की नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे आप अपने घर में कूड़े को डिस्पोज करने की प्रक्रिया बनाते हैं, ये वायरस की एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसके तहत ये पाया गया है ये संक्रामक बिल्कुल नहीं है, ऐसा दुनिया के किसी भी शोध में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोरोना की दूसरी महामारी से लोग संघर्ष कर ही रहे हैं कि एसजीपीजीआई की एक जांच में लखनऊ के सीवेज में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की रिपोर्ट को आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ को भेज दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके अध्ययन की और सख्त ज़रूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। कैमरा पर्सन स्वेप के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।